हेलो गाइस, स्वागत है आपका बहुत दिनों के बाद एक ब्रांड न्यू जर्नी में हमारे चैनल द रेल ब्लॉग्स पर। आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं मैं कहाँ हूँ, नजीबाबाद जंक्शन पर। मैं यहाँ क्यों हूँ, इसका एक रीज़न ये है कि हमें आज जर्नी करनी है नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस में। जी हाँ, ये जर्नी हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है, लगभग 2 ईयर्स पहले मैंने इसे अपलोड किया था। तो आज फिर से इस जर्नी को हम करेंगे, और वो जर्नी जो हमने की थी वो मुरादाबाद से की थी। अभी टाइम हो रहा है 5:36 यानी कि 36 मिनट्स, और आप देख रहे हैं अंधेरा लगभग होने वाला है, और हमारी जो ट्रेन का टाइमिंग है वो 6:26 का है, जो करेक्ट टाइम हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इस ट्रेन के आने की पूरी उम्मीद है। 12091 हमारी ये ट्रेन चलती है देहरादून से 3:55 पे, और काठगोदाम पहुंचती है कि उसी दिन रात में 23:45 पे, यानी कि 7:50 का जो समय है ये हमारी ट्रेन लेती है। इस बीच में 8 हॉल्ट्स हैं इसके, पहले 7 थे, अब 8 हो गए हैं क्योंकि बिलासपुर रोड इंक्लूड कर दिया गया है। इसके बाद जो इसका पूरी डिस्टेंस जर्नी है वो है इसकी 335 किलोमीटर्स की, यानी कि आप समझ सकते हैं कि काफ़ी एक ठीक ठाक स्पीड्स पर, लगभग 43-44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, एवरेज स्पीड पर हमारी ट्रेन ऑपरेट की जा रही है। इस बीच इसकी जो मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड है वो लक्सर से मुरादाबाद के बीच में है 105 किलोमीटर पर आवर। तो अभी फ़िलहाल हम इसी सेक्शन पर नजीबाबाद से मुरादाबाद तक कवर करेंगे, और देखेंगे कि 105 किलोमीटर पर आवर चलती भी है या फिर नहीं। अगर हम नजीबाबाद स्टेशन की बात करते हैं तो नजीबाबाद का जो स्टेशन कोड है वो NBD है। ये मुरादाबाद डिवीज़न में आता है। यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, 50 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं, और 10 ट्रेन्स यहाँ पर टर्मिनेट भी होती हैं, और 10 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट भी की जाती हैं। तो आज का हमारा यह सफ़र नजीबाबाद से शुरू होने वाला है, चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। नाउ इट्स 6:31 और हमारी ट्रेन के आने का अनाउंस हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। चलिए मैं आपको अराइवल दिखाता हूँ। सिक्स ट्वेंटी सिक्स का टाइम था, मगर हमारी ट्रेन पूरे 12 मिनट्स लेट थी,
और ये 6:38 पर आई है, तो फिलहाल हम ये मान सकते हैं कि ये फिलहाल इस समय 15 मिनट की लेटिंग के साथ में चल रही है। अब देखना यह है कि ये हमें अपने डेस्टिनेशन पर लेट पहुंचाती है या फिर ये अपनी लेटिंग को कवर कर लेती है। अभी ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, यानी कि इसके जो गेट्स हैं वो पूरी तरीके से पैसेंजर्स से भर चुके हैं, लॉक्ड हो चुके हैं। तो ऐसे में मुझे गेट तक जाने का भाई बिल्कुल मौका ही नहीं मिला, और इस वजह से पूरी जर्नी जो मुझे शूट करनी पड़ रही है, ये कंप्लीट जर्नी मुझे सिर्फ और सिर्फ विंडो से ही शूट करनी पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं भाई 2S में सफ़र करने का नुकसान, और जनरल डिब्बे में तो खास करके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जनरल डिब्बे वाले जो जनरल टिकट वाले लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इतनी भीड़ को देखते हुए। अभी फ़िलहाल हम मुरादाबाद में आ चुके हैं। 8:33 एग्जैक्ट टाइमिंग पर मुरादाबाद में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारा अराइवल हो चुका है। अभी हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है रामपुर जंक्शन पर। 9:11 हो रहे हैं, यानी कि बिल्कुल करेक्ट टाइम पर ही हमारी ट्रेन रामपुर जंक्शन पर भी अराइव हो रही है, और रामपुर जंक्शन से ही अब यहां से हम कारकुदाम के लिए डाइवर्ट हो जाएंगे और सीधी लाइन हमारी चली जाएगी लखनऊ बरेली की तरफ। अभी हम बढ़ रहे हैं बिलासपुर की तरफ। जी हाँ, सामने आपको बोर्ड दिख ही रहा होगा, ये बिलासपुर रोड का बोर्ड है, BLQR इसका स्टेशन कोड है, और यहाँ पर इस ट्रेन का पहले अराइवल यानी कि हॉल्ट नहीं था, बट फिलहाल अब इस समय यहाँ पर इस ट्रेन का हॉल्ट हो चुका है। ये है बिलासपुर का छोटा सा स्टेशन। यहाँ पर केवल एक ही प्लेटफॉर्म है, 12 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं, और ये कम्प्लीट सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है रामपुर से काठगोदाम तक। और फिलहाल हम यहाँ पर इस जर्नी को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिलहाल हमारी जो ट्रेन है वो ऑन टाइम है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगर हम सीट्स की अवेलेबिलिटी की बात करें